हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, नवीनतम पाठ्यक्रम आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आखिरकार आपका सिलेबस आया। लेकिन बात ये हो गई कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। मैंने जो शॉर्ट सिलेबस आपका जारी हुआ है उसके ऊपर वीडियो बनाया तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर ये क्या बात हुई, इस सिलेबस से तो किसी भी टॉपिक का अंदाजा भी नहीं लग रहा है। तो आप हमें एक ऐसा वीडियो बनाकर दीजिए जिसमें टॉपिक वाइज सिलेबस होगी, कौन कौन से टॉपिक आपके इस सिलेबस में रहने वाले हैं और अंक भार क्या रहने वाला है। अब आपको इतना तो पता है कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 अंकों का, और उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको नहीं बताया हुआ है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने आखिरकार एक अभ्यर्थी को आसमान से गिराया, वो खजूर पर अटका। ठीक है, अब मुसीबत है दोनों तरफ भी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने अनुभव और एक्सपर्ट की जो राय है उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको टॉपिक तैयार करने हैं और अंक भार, अनुमानित जो अंक भार है वो कितना रहने वाला है। आप बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वो नोटिस दिखा देता हूँ जो जारी किया है आरएसएम एसएसबी ने। अब यहाँ आप सबको पता है, ये चीज़ आपने सबने नोटिस की होगी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बस वनपाल वालों के लिए थोड़े क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अच्छा मिलेगा और वन रक्षक के लिए जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बेसिक रहने वाला है, ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ कि राजस्थान के भूगोल में से कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, भारत के भूगोल में से कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, और करंट जीके या समसामयिक की जो है इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, और दैनिक विज्ञान को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं कि दैनिक विज्ञान में आखिर होता क्या है, बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए आप मेरे साथ में। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं राजस्थान के भूगोल का। दोस्तों, राजस्थान के भूगोल के अंक भार की हम बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे डेफिनेटली, और डेफिनेटली बन जाएंगे। ज़्यादा जो अंक भार है वो राजस्थान का ही रहने वाला है, राजस्थान जीके का ही अंक भार ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करूंगा, बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स को लेकर टेंशन हो रही होगी, तो चिंता नहीं करना, बिना मैथमेटिक्स के भी आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आप देख लीजिए, राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु एवं मिट्टियाँ, राजस्थान की वनस्पति एवं वन संसाधन, ये सभी जो टॉपिक है ना ये राजस्थान के भूगोल में ही रहने वाले हैं। जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख बांध, राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान की खनिज संपदा, राजस्थान की कृषि और राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमने सिलेबस आने से पहले ही, मतलब काफ़ी पहले, मैंने राजस्थान का जो भूगोल है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। आपको मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी राजस्थान वन रक्षक वनपाल के नाम से, जहाँ से ये सभी टॉपिक आप वन बाय वन देख सकते हैं। मैंने एमसीक्यूज टाइप और थ्योरी दोनों चीज़ें करवाई है, तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूंगा, एक बार ज़रूर देख लेना। आगे दोस्तों, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था से 5 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से क्या पूछा जाएगा, राज्य विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राजस्थान का निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपने अपने स्कूल के दिनों में पढ़े होंगे। इसके बाद पंचायती राज, जिला प्रशासन और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में। बस आपको ये 4 ही टॉपिक इसमें तैयार करने हैं और बेसिक चीज़ें आपको तैयार करनी है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। ये नहीं कि आप राज पैनोरमा की बुक लेकर बैठ जाएं और फिर उसमें से आप तैयार करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी किताबें आपको सबसे पहले पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास, अगर इतिहास की बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे डेफिनेटली। राजस्थान का इतिहास हो गया, प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक, गुजर प्रतिहार वंश, राजस्थान के प्रमुख युद्ध, 1857 की क्रांति और स्वतंत्र सेनानी, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, और राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है।
ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो मैंने स्पेशली राजस्थान वन रक्षक वनपाल के लिए बना रखा है, ठीक है। पूरी तरह से हमारा चैनल जो है वो समर्पित है राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा को लेकर। अब देखिए आगे राजस्थान की कला संस्कृति, यहां से 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कला संस्कृति को आपको काफी अच्छे से तैयार करना है। इसमें देखिए चित्रकला और चित्रशैली, दुर्ग, महल, छतरियां, हवेली, मस्जिद, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, राजस्थान की बोलियां, राजस्थान के मंदिर, लोक देवी देवता, इसके बाद में राजस्थान में धर्म संप्रदाय, राजस्थान के मेले और त्योहार, लोक नृत्य, लोक नाटक, लोकगीत, वाद्य यंत्र, राजस्थान के हस्तशिल्प, कला और उद्योग, वेशभूषा, आभूषण और रीति रिवाज। कला संस्कृति को काफी अच्छे से तैयार करना है आपको, और कला संस्कृति है ये आपके टॉपिक लग जाता है 6 क्लास में, ठीक है। अब ये मत सोचना कि कला संस्कृति नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, बिल्कुल ये सब्जेक्ट है आपका और इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। काफी अच्छा अंक भार रहेगा इसका। भारत का भूगोल, अगर भारत के भूगोल की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के भूगोल में से तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि क्या पूछा जाएगा। भारत के भौतिक प्रदेश और विस्तार के बारे में अच्छे से तैयार करना है, भारत की जलवायु के बारे में अच्छे से तैयार करना है, फिर अपवाह तंत्र और भारत की वन संपदा, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। भारत की वन संपदा नोट कर लेना ये टॉपिक, प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और भारत की जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए आप भारत के भूगोल से 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे बेसिक, ठीक है। तो ये तैयार आपको करना है अच्छे से। इसके बाद में है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। भारत की शासन प्रणाली व्यवस्था, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इनको आपको बेसिक तैयार करना है। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा ढांचा है, इसके बारे में आपको तैयार करना है, और यहाँ से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना मेरी बात का। आसानी से आप ये तैयार कर लोगे, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगने वाला है। बाकी मैं आपको इस चैनल पर तैयारी करवा दूंगा, वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि किस तरह किस लेवल तक आपको तैयार करना है। इसके बाद है भारत का आधुनिक इतिहास, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आधुनिक इतिहास को लेकर आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। जो भी ये प्रश्न हुए इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की, 10 क्वेश्चन आपसे कम से कम पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है, ये 10 क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले हैं, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन एकदम बेसिक पूछे जाएंगे, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, औसत, मिश्रित ब्याज, संख्या पद्धति, समय, काम, ये जो बेसिक प्रश्नावलियां जो आपकी है, ये एक्सरसाइज जो है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही आप तैयार कर लो काफी अच्छे से, आपका काम हो जाएगा। देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप 10 में से 5 से 6 नंबर भी लेकर आओगे तो मैथमेटिक्स आपको रोकने वाला नहीं है, तो मैथमेटिक्स ना के बराबर है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों समसामयिकी और करंट अफेयर्स को लेकर भी काफी बच्चों के डाउट्स है, तो यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि 10 क्वेश्चन कम से कम आपसे पूछे जाएंगे समसामयिकी और करंट अफेयर्स से संबंधित, ठीक है। इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं करता हूं, कम की उम्मीद भी नहीं करता हूं, ठीक है। यहाँ दोस्तों वन रिपोर्ट और वनों से संबंधित लेटेस्ट आंकड़े जो भी हो वो आपको तैयार करने हैं। मैंने वीडियो बनाकर वन रिपोर्ट के बारे में आपको डिटेल से समझा रखा है सारी, और वनों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बना के सब कुछ समझाया हुआ है। एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, इसमें जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे आप देख लेना, ठीक है। आपको समझ आए तो फिर आप चैनल पर परमानेंट हो जाना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों खेल कूद के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रमुख साहित्यकार और लेखक जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर प्रमुख योजनाएं, वर्तमान की जो प्रमुख योजनाएं उनके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर, इसको जरूर याद रखना टॉपिक को, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। शुभंकर, हर जिले के अलग अलग शुभंकर हैं उनको, और प्रतीक चिन्ह जो है उनके बारे में आपको अच्छे से याद करना है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों दैनिक विज्ञान की बात करें तो दैनिक विज्ञान को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास करके उनका ये पहला ही कंपटीशन का एग्जाम है। तो देखिए दैनिक विज्ञान में वही चीज़ें 6 से 10 की किताब में जो आपको मिलेगी वही चीज़ें हैं, जैसे भोजन और पोषक तत्व, विटामिन, विटामिन के स्रोत, मानव शरीर, प्रमुख रोग और उनके कारक, विज्ञान के सामान्य सिद्धांत, वनस्पति, जीव विज्ञान के सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए,
गति ऊर्जा और राशियां जो सदिश और अदिश राशियां हैं, जो रोग है अनुवांशिक की जो रोग है उनके बारे में, उनके रोग कारक जो है, रोग जनक जो है उनके बारे में आपको तैयार करना है। प्रमुख जो आविष्कार हुए हैं उनके बारे में आपको तैयार करना है। और फल सब्जियों के संबंध में आपको सामान्य जानकारियां होना जरूरी है। तो ये आपका विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक तैयार करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस चैनल पर आपकी बेहतरीन तैयारी शुरू करवा दी है। आप ज़रूर एक बार हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, जो भी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो सेशन लेकर आ जाऊँगा। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।